कर दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आलिया और रिया का पर्दा पूरी तरीका से फाश हो चुका है। जी हाँ, ऐसे में आप लोग देख पाएंगे कि रणवीर और प्राची बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि रिया और आलिया ने सबको धोखा दिया है और रिया प्रेग्नेंट है। ये खबर पूरी तरीका से आलिया ने क्रिएट की थी और आलिया ने सभी को धोखे में रखा था, क्योंकि रिया जब प्रेग्नेंट नहीं थी उसके बावजूद भी रिया की प्रेगनेंसी को लेकर आलिया ने ही बात बोली थी कि हाँ, आलिया ने बोला था कि रिया प्रेग्नेंट है। लेकिन दोस्तों, अब प्राची ने साफ साफ और खुलेआम कर दिया है। प्राची और रणवीर ने बोल दिया है कि इन लोगों का प्लान था कि किसी भी तरीका से सिड की बहन को मारने का प्लान और सिड की प्राची के साथ में शादी कराना, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस समय रिया और आलिया की, क्योंकि बहुत गेम खेल लिया इन लोगों ने। लेकिन अब सिड की अगर बात की जाए तो सिड पूरी सच्चाई बताता हुआ नजर आने वाला है कि किस किस तरीका से रिया और आलिया ने ब्लैकमेल किया है, क्योंकि ब्लैकमेल करने का जो मुख्य कारण है वो कोई और नहीं बल्कि रिया और आलिया का एक्सपोज होना है। वही दोस्तों, रिया की बात की जाए तो रिया बोलती हुई नजर आने वाली है कि मेरा ही अधिकार है रणवीर पर और मैं इस प्राची को इस घर में रहने ही नहीं दूंगी, जिसके बाद में बोलती हुई नजर आने वाली है प्राची की तुम्हारी हिम्मत क्या है कि जो तुम मुझे मेरे घर से निकालो, क्योंकि यहाँ पे हक मेरा है और रणवीर पे मेरा हक था, मेरा हक है और मेरा ही रहेगा। साथ ही दोस्तों, रणवीर सभी के सामने प्राची की साइड लेते हुए भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि रणवीर बोलते हुए नजर आएंगे कि रिया तुमने बहुत हुआ और बहुत ब्लैकमेल कर लिया लोगों को, इससे ज़्यादा तुम ब्लैकमेल नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है लोगों को ब्लैकमेल करने की, अब इससे ज़्यादा मैं ब्लैकमेल सहन भी नहीं कर पाऊँगा। साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर